रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे, उनकी फितरत में ही बातें हैं, ये निश्चित है, क्योंकि माए बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं एक अपील करूंगा कि अगर छोटी बड़ी गलती भी कहीं हुई है, मान लीजिए गलती मुझसे भी हो सकती है, पर आपको अभी राज्य के हित को देखते हुए, राज्य के इंटरेस्ट के अंदर, जब हमने सुशासन दिया है, इतनी अच्छी स्कीम दी है, हम चाहेंगे सरकार रिपीट होगी तो ही ये स्कीमें वहाँ पर मजबूत होगी, वरना कई स्कीमों तो सरकार आते ही वो ख़त्म कर देते हैं। हमारे पहले भी रिफाइनरी बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया, कई काम बंद कर दिए हमारे, उनकी फितरत में ही बातें हैं। हम चाहेंगे हम स्कीमों को और ज़्यादा स्कीम लेके आए, इन स्कीमों को और मजबूत करें, जो गारंटी दी उनको लागू करें। तुम्हारा एजेंडा साफ है 2030 का, मिशन 2030, उस रूप में हम चल रहे हैं, ये निश्चित है, क्योंकि माए बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं, लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का, बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया, और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चेंज योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, OP लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया, इसलिए कई जगह राजस्थान में एंटी इंकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। देखिए प्रधानमंत्री जी हो, जो कोई हो, कोई जमाना था एक मीटिंग या दो मीटिंग करते थे राज्यों में, गांव-गांव में मैसेज चला जाता था कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में, घर घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है, कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप पे अटैक कर रहे थे, इसलिए करते थे, उनके दिल में दर्द है, तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की, राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग, वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर, क्योंकि उनके दिल में दर्द ये कि सरकार गिरा नहीं पाए हम लोग। जनता हमारे साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं, हाईकमांड पूरा मैनेजमेंट किया, और आप देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असेंबली सेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सरकार घिरी नहीं उनसे, इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा है हमारे ऊपर।